और क्या कहेंगे, नया लोकेशन, आज मुहूर्त भी हुई, पूजा भी हुआ और फिल्म भी शूट है। ये वृंदावन स्टूडियो है जो संजान में है। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इस स्टूडियो में सबसे पहले मैंने अपनी फिल्म लागी तोसे लगन की शूटिंग की थी और उसी से इस फिल्म की इस स्टूडियो की उद्घाटन किया था हमने। अभी उसके बाद लगातार यहाँ शूटिंग हो रही है और स्टूडियो के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो ये कहूँ कि इतनी लोकेशन है यहाँ पे कि कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की फिल्म नहीं, हिंदी हो, एल्बम हो, सीरियल हो, भोजपुरी फिल्म हो, कोई भी हो, इतनी ज़्यादा लोकेशन, इतनी वेरिएशंस है कि किसी भी चीज़ की शूटिंग यहाँ हो सकती है। रहने की यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं खुद यहाँ पे 8-10 दिन शूट कर रहा था अपनी फिल्म लगी तोसे लगन की, तो उस दरमियान हमने रहा यहाँ पे। बहुत अच्छी रहने की फैसिलिटी है और इसका सबसे अच्छा है कि संजान स्टेशन है और उससे सिर्फ 15-20 मिनट की स्टूडियो तक पहुँचने की दूरी टाइमिंग है। तो टोटल मिला करके ये है कि बहुत परफेक्ट लोकेशन है। डिस्टेंस वाइज देखें, इसकी वेरिएशंस देखें, गांव है, बंगलो है, हॉस्पिटल है, आप सेट लगा सकते हैं किसी भी चीज़ की। और इसके अगल बगल और भी चीज़ें हैं जो इसके इसी स्टूडियो के लिंक में है। फॉरेस्ट हो गया, पुलिस चौकी हो गई, बंगलोज हो गए, गार्डन हो गए। गार्डन इतनी अच्छी बनी हुई है कि जिसमें क्या कहूँ कि फ्लावर और ये एक अलग तरह की गार्डन इसमें क्रिएट किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो वृंदावन स्टूडियो जो ये बनी है दीपक शर्मा की, तो ये बहुत ही कामयाब रहने वाली स्टूडियो है। हम सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि एक बार ज़रूर इससे देखें, आप खुद ब खुद यहाँ शूटिंग के लिए आए। सर, एक वृंदावन मुंबई में और एक गुजरात बॉर्डर पे आपने, तो वहाँ के और यहाँ के स्टूडियो में क्या डिफरेंट है, क्या तालमेल? बॉम्बे में जो स्टूडियो होता है उसकी बहुत फैलाव नहीं हो पाता है क्योंकि बॉम्बे कंजस्टेड है। यहाँ क्या है कि ये बहुत बड़ी फार्म हाउस के अंदर ये स्टूडियो क्रिएट किया गया है, तो फैसिलिटी ये है कि आप बंद के काम नहीं कर सकते, आप कैमरा खोल करके जहाँ मर्जी जिस तरह से चाहें आप शूट कर सकते हैं। फ़र्क दोनों में इतना है। सर, अगर हम ये कह दें कि एक डायरेक्टर को अगर फिल्म करनी है, वो पूरी फिल्म कर सकता है यहाँ पे इसी लोकेशन में? 100% पूरी फिल्म की शूटिंग हो सकती है। देखिए, फिल्म की शूटिंग करने के लिए